आपको मेला कैसा लगा तिलवाड़े का? मेला बहुत बढ़िया लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सफी खाना, आपने देखना शुरू किया है SKJ TV। दोस्तों आज आए हैं हम तिलवाड़े के अंदर, तिलवाड़ा का मेला आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाइए कैमरामैन, दुकानें वगैरह लगी हुई हैं और भीड़ आ रही है। दोस्तों तिलवाड़े के अंदर कई भी प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं और कौन कौन सी दुकानें हैं हम आपको सभी तरह की दुकानें वो दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे और लोगों से भी राय लेने की कोशिश करेंगे कि लोग अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं और मेले में आके उनको कैसा कुछ लग रहा है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोलो क्या लगा आपको मेले में, आया क्या देखा आपने? मेले में हाट बाजार देख रहे हैं। हाँ, किस प्रकार से रहा मेला तिलवाड़ा का? इस बार थोड़ा मेला कमज़ोर लग रहा है क्योंकि पशु बहुत कम आए। आपको क्यों लगता है कमज़ोर? मार्केट में वगैरह पशु कम आए हैं इस वजह से। और दूसरी मार्केट मैन ये मेला जो है पशुओं का ही है और इस बार पशु कम दिख रहे हैं। धन्यवाद। मेला आपको मेला कैसा लगा तिलवाड़े का? मेला बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया मेला लगा है, बहुत बढ़िया लगता है। क्या क्या लगा आपको मेले में? और कुरकुरा बीजा, रमकिया बीजा, लड्डू से बीजा हैंग मिलता है। धन्यवाद। हाँ जी बोलो, क्या हाल है सर? हाल ठीक है। हमारे किस प्रकार से मेले की मार्केट चल रही है? मार्केट तो ठीक ठीक चलती है मगर कल आंधी और तूफान में नुकसान हो गया नहीं हमारा बस। क्या क्या नुकसान हुआ है मेले? नुकसान ये माल उठ गया, पर्दे फाट गए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यही है जो तिलवाड़े के अंदर मेले के अंदर मार्केट, आप देख सकते हैं कि मेले के अंदर किस प्रकार से मार्केट रही है। हम लोगों से और दर्शकों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं। सर कहाँ से हैं आप? यहाँ से। धन्यवाद। कहाँ से हैं सर आप? हम जालौर डिस्ट्रिक्ट से। जालौर से आप मेले में आए, क्या महसूस कर रहे हैं? हम मेले में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या क्या देखा आपने मेले के अंदर? हम घोड़े देखे, दुकाना देखी। बहुत पिछली बार का और अब की बार मेले में कोई फर्क है? हाँ बहुत फर्क है। पिछली बार थोड़ा मेला कम था, अब की बार मेला ज़्यादा है। आपको लगता है कि भरपूर मेला है? हाँ और ज़्यादा संख्या। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे मेला होना चाहिए। और आपको क्या लगा, क्या देखने को मिला, नई चीज़ आपको क्या देखने को मिली मेले के? ये तो क्या है कि जैसे पहले क्या ज़्यादातर ये पशु बैल वगैरह ये होते थे, अब जैसे घोड़ों की सीज़न ज़्यादा है। घोड़ों की सीज़न है। और पशुओं में कोई ऊँट बकरी? हाँ ऊँट के लिए ठीक है लेकिन बाकी तो कोई पशु दिख ही नहीं रहे हैं। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहेंगे मेले के बारे में? मेले के बारे में अब की बार क्या, पहले तो ज़्यादा ऊँट आते थे, अभी तो घोड़े बहुत आया है, बहुत देखने के लिए मिले हमने, ज़्यादा दुकान भी है, जब भी चीज़ चाहिए वो टाइम से यहाँ मिलती है, कहीं पे ज़्यादा नहीं मिलती है। हाँ। आप कहाँ से? हम दूधवा से। दूधवा से? हाँ। आप दूधवा से आए हैं, कैसा लगा आपको, किस प्रकार से? अच्छा लगा, हमारे को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा कि किस प्रकार से अब की बार मेले और पिछली बार के मेले में आपको कोई फर्क नजर आया? फर्क वो पहले तो क्या फर्क, अभी तो बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा भीड़ और ज्यादा देखने के लिए मिले, बाहर से घोड़े भी आए। मेले के अंदर घूमे हैं, आपको कौन सी दुकानें अच्छी लगी, क्या इसको आपकी मतलब इंटरेस्टिंग से? हमारे वो मैनिया वगैरह जो भी प्लास्टिक। सर आप कहाँ से? हम जसोल से हैं। जसोल से हैं। क्या देखा मेले के अंदर आपने? मेलो तो अब की बार सबसे बढ़िया मेलो है, कोरोना काले बारे में सबसे बढ़िया मेलो देखने कठी मिलियो है तो ओ मालानी रो मेलो है। मालानी का मेला आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मेला लगा आपको। कई लोग हमें ये कहते हुए भी नज़र आए, कल आंधी और तूफान आया था, उससे कुछ नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है? हाँ नुकसान तो हुआ है पर ईश्वर सबरी देखे कि मैणिया वाला है तो यारों भी तो माल बिकनो चीज है, तो केवल ये मैणिया लेना आया, बरसात नहीं आई, आंधी नहीं आई होती तो माल कौन ले, तो यारी भी काले बिखरी हुई है, तो ईश्वर तो सबरी देख रही है। लोग क्या क्या प्रतिक्रियाएँ देते हैं मेले के बारे में? हमके जो को रिजल्ट लोग दे रहा है वो सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है कि अब की बार जो को मेलो है छोको मेलो है, इन मेला रो जो को मार्केट रो जो को प्रोटोकॉल मेनू भी बनायोड़ो है वो भी अब की बार बढ़िया तरीका में बनाया, और अब की बार इन मेले ने 18 जो को आयोजन करता है वे इन्हें संस्कृति ने सभ्यता के साथ जोड़ियो है। आपको क्या लगता है प्रशासन का वगैरह कितना सहयोग है? अब की बार प्रशासनी कलेक्टर साहब भी बहुत सुंदर बढ़िया व्यवस्था है और सबसे बढ़िया व्यवस्था है। धन्यवाद सर। हमने अलग अलग लोगों से बात की है, वो मेले को अच्छा बता रहे हैं, लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पिछली बार से हमको ये मेला अब की बार अच्छा लगा।
सर आप क्या कहेंगे मेले के बारे में? मेला बिल्कुल अच्छा है, सही है, बहुत शांतिपूर्ण है, बिल्कुल अच्छे मेले है। और हम तो हर साल 15 साल से आते हैं, अच्छा है। बीच में 3 साल से बंद है कोरोना कारण से। कहाँ से आप? कहाँ से? मैं बाड़मेर से, देरा सर तहसील रामसर जिला बाड़मेर। आप क्या यहाँ आपके कोई दुकान? ये दुकानदारी है, ये कैंची चाकू ये हाँ जी हमारी दुकान है, सभी देरा सर की दुकान लगती है बाड़मेर से। 15 साल से आते हूँ, बहुत अच्छा मेला है और शांति भी है। कल थोड़ी बारिश आई थी जो चलो कुछ नहीं। धन्यवाद सर। सर आपको क्या लगा, किस प्रकार से आप मेले में आए, क्या कुछ देखने को मिला? देखने के लिए आए हम, दारू जी का मंदिर का शाम को जागरण है, वन्य विजय आज प्रोग्राम के ठहरने के लिए आए। किस प्रकार आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मेले के अंदर? हमें सर अटा तो कहाँ लगे, पहला तो बल दिया आवेदा, बल दिया तो बंद हो गया, बुढ़िया खड़ता है। आपको क्या लगता है कि वो बेल है जो बंद हो गए हैं उसकी वजह से कुछ असर देखने को मिलता है? कोई खिलौना नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, टेंट वगैरह कोई मतलब घुमर भी जो पहला डोकरी वाला टाइम की। धन्यवाद सर। लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले के समय बुजुर्ग थे, वो टाइम अब नहीं रही। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SKZ TV, कैमरामैन रोशन खान के साथ में सफी खान, तिलवाड़ा।